वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर दिस 2024। सो गाइस, सभी ने प्लान बनाया होगा कि न्यू ईयर के दिन ये बनाना है, वो बनाना है। मैंने भी प्लान बनाया था मटर पनीर बनाने का, पर अफसोस मेरे पनीर तो आ नहीं पाए। तो मैंने कहा क्यों ना मैं आलू मटर से ही काम चला लूँ, तो ये भी बहुत टेस्टी बनी थी गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और यहाँ मैंने ले लिया एक पैन, पैन में मैंने थोड़ा उसमें डाल दिया 3 से 5 स्पून अपना टेबल स्पून ऑयल। और इसके बाद मैंने उसको हरे मटर जो सीज़न चल रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी इसे फ्राई कर लिया। और थोड़ा सा आपको पता है मटर जो होता है उसमें पानी होता है तो वो थोड़ा चटकते हैं, इसलिए मैंने उसको ढक कर थोड़ा पका लिया इस तरह से। और मटर यहाँ हो गए थे फ्राई अच्छी तरह से। और फिर मैंने उसी कढ़ाई पे ही ले लिया अपना टोमेटो, टोमेटो जो मैं 4 से 5 उसको वैसे 20 से 2 टुकड़ा करके इस तरह से मैंने रख लिया। गाइज, इसका एक रीज़न था, इससे एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और जो एक खट्टापन होता है, खटास आती है। अगर आप टमाटर को इस तरह से करें या फिर बॉईल करके पीसें तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर टमाटर को इस तरह से फ्राई कर लिए और उसमें थोड़े से मैंने गार्लिक डाल दी और 2-3 जो है अपने स्लिट कर ग्रीन चिली डाल दिया। और आफ्टर सम टाइम इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट डालना भूल गई थी गाइज, इसलिए दोबारा खोल कर मैंने इसे डाल दिया। और इसी के साथ हमारे टमाटो जो एक तरफ पे अच्छी तरह से पक चुके थे तो मैंने इन्हें फ्लिप कर दिया। और फ्लिप करके फिर से मैं इसे जो है 3 से 5 मिनट जो है फिर से एक बार ढककर मैं अच्छे से पका लूँगी। साथ में मेरे यहाँ पर गार्लिक भी अच्छी तरह से तल रही थी, आप सैलो फ्राई भी कर सकते हो। और पर मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी सब्ज़ी में बहुत ऑयल हो जाता है, तो मैंने थोड़ा ऑयल को कम करने की कोशिश की है। तो यहाँ ऑलमोस्ट हमारे टमाटर भी पक कर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ मैं टमाटर को निकाल लेती हूँ और सेम ही कढ़ाई पर गाइस मैं ज़्यादा बर्तन नहीं धुल सकती क्योंकि मुझे ही खाना बनाना, मुझे ही खाना और मुझे ही धुलना है, तो इसीलिए मैं एक ही पैन का यूज़ कर रही हूँ। पर यह है कि इस पैन में अब जब ऑलरेडी थोड़ा सा टमाटर का टचअप आ गया है इसलिए आप इसी को ही यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर टमाटर मैंने निकाल दिए थे। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पोटैटो ले लिए। पोटैटो को मैंने क्यूब साइज़ में काटने की कोशिश करी पर बहुत वेस्टेज हो रहा था, तो मैंने कहा जैसे हम नॉर्मल काटते हैं वैसे ही कर लेते हैं और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने प्याज को अच्छी तरह से बारीक काटा हुआ है, आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में अच्छी तरह से पीस भी सकते हैं, पर ये फाइन वाले का भी एक अलग ही टेस्ट आता है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली ले ली इस तरह से स्लिट करके, और चॉप्ड करके मैंने यहाँ पर जिंजर ले लिया है। आप यहाँ जिंजर पेस्ट का यूज़ नहीं कर रहे तो बेटर होगा। यहाँ पे मेरे टमाटर भी थोड़े ठंडे हो ही चुके थे, यहाँ मैंने यहाँ उनका स्किन निकाल लिया, पील ऑफ कर लिया। और मेरे पास टोमेटो के लिए ग्राइंड करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर नहीं था तो मैंने इस चॉपर का यूज़ किया, पर चॉपर में भी फाइन अच्छी तरह से पिस जाता है अगर आपके टमाटर जो है फ्राई हो या बॉयल्ड हो। तो देखिएगा आप कितना फाइन इसकी टोमेटो की प्यूरी बनती है। तो ये देखिए मेरे टमाटो की प्यूरी जो है वो भी बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ मेरे पोटैटो भी ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन हो चुके थे तो मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आ गए हम यहाँ पर ग्रेवी बनाने के नेक्स्ट स्टेप में गए। तो यहाँ मैंने 2 से 3 स्पून ऑयल ले लिया और ये हमारे कुछ साबुत मसाले हैं जो मैंने यहाँ पर डाल दिए। डालकर इसे कम से कम 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हमारा जीरा भी जो अच्छी तरह से चटक जाए यहाँ पर। उसके बाद जो आपने फाइन चॉप्ड ऑनियन किया था वो डाल दें, या फिर आप उसका पेस्ट बनाया हो तो वो डाल दीजिए यहाँ पर। और मैंने जो गार्लिक को और ग्रीन चिली को मैंने सौते किया था यहाँ पर, मैंने उसको भी अच्छी तरह से हाथ से क्रश कर लिया है। अगर आप प्याज का पेस्ट बनाते हैं तो आप इसको उसमें डालकर भी पेस्ट बना सकते हैं। और इसके बाद मैं जो है इस पेस्ट को जो है अपने जो प्याज है अनियन का उसके साथ इस तरह से डाल दिया है। आप ये वाला भी ट्राई करके देखिएगा, कई बार मिक्सर ग्राइंडर में चीज़ें पीस पीस कर भी खाते बोर हो जाते हैं तो कुछ नया ट्विस्ट कीजिएगा। उसी के साथ मैंने यहाँ पर थोड़ी सी गार्लिक, ग्रीन चिली और जो मेरा टमाटो का प्यूरी था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया। और डालने के बाद अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लिया। मिक्स करके मैं इसे थोड़ा 1 से 2 मिनट तक के पकाऊंगी। पकाने के बाद मैं यहाँ पर अपने कुछ ड्राई मसाले डाल दूंगी, जैसे कि कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक और अपना जो सॉल्ट है वो टेस्ट अनुसार आप अपना यहाँ सॉल्ट डाल दीजिए।
यहाँ मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से पकाने के बाद मैं उसमें कम से कम 1/2 ग्लास वाटर डाल के इस तरह से एक कंसिस्टेंसी बनाकर कवर करके 3 से 5 मिनट रख दूँगी। एक बॉयल ले लूँगी। यहाँ पर बॉयल आना स्टार्ट हो गया, मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। और इसी के साथ अगर अभी तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप किस किस सिटी से मुझे वॉच कर रहे हैं। और यहीं पर हम डाल देंगे अपने जो फ्राइड किए हुए पोटैटो और मटर है, और इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, मिक्स करेंगे और इसके बाद हम कवर करके इसे 3 से 5 मिनट जो है अच्छी तरह से पका लेंगे। देखिए सब्जी कितनी मस्त टेस्टी दिख रही है। अब ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आप इसे स्विच ऑफ कर सकते हैं अगर आप इसे पूरी पराठे के साथ खाना चाहते हैं, और यदि आप इसे राइस के साथ खाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए। तो आप इसमें गर्म पानी ही ऐड कीजिएगा, करने के बाद इसमें एक बार और अच्छी तरह से बॉयल ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया, ये बॉयल भी आ चुका है एक, और देखिए आप कितना सुंदर इसका जो है मतलब ग्रेवीनेस है वो दिख रही है। इस ग्रेवी ने इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिए और देन इसके बाद मिक्स करके इसे 1 से 2 मिनट अगेन पकाने के बाद आपकी ये खाने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई थी तैयार, मैंने इसमें थोड़े से कोरिएंडर लीव्स डाले और देन मैंने यहाँ पे कर दूँगी गैस का स्विच ऑफ। तो नाउ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जो है हमारा प्लेटिंग। तो गाइज़ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं वेज पुलाव के साथ या जीरा राइस के साथ। तो मैंने इसे वेज पुलाव के साथ खाया है, बहुत ही टेस्टी बनी थी गाइज। सो मैंने अफसोस नहीं मनाया कि मेरे पनीर नहीं आ पाए थे। तो इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे अलविदा और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट रेसिपी पे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।